चक्रवाती तूफान अम्फान आज यानी 20 मई 2020 की दोपहर भारत के कई तटीय राज्यों से टकरा सकता है। माना जा रहा है कि ओडिशा और बंगाल के इलाकों तक ये दोपहर 2 बजे के आसपास पहुंचेगा। साइक्लोन अम्फान इस सदी का सबसे बड़ा तूफान है, इसी वजह से इसके रास्ते में आने वाले सभी राज्य अलर्ट पर हैं। बंगाल और ओडिशा में तेज हवाएं बारिश शुरू हो गई हैं। 15 मई को विशाखापट्टनम से 900 किलोमीटर दूर दक्षिणी बंगाल की खाड़ी की कम दबाव और गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र बनाना शुरू हुआ। 17 मई को जब अम्फान दीघा से 1200 किलोमीटर दूर था तब इस साइक्लोन में बदल गया। 18 मई की शाम अम्फान साइक्लोन सुपर साइक्लोन में बदल गया। मंगलवार दोपहर को इसकी गति 200 से 240 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाओं से चरम तक पहुंच गई है। यहीं पर यह सदी का सबसे बड़ा और भयानक तूफान बन गया। तूफानों के रिकॉर्ड 1890 से जमा किए जा रहे हैं। 130 वर्षों में केवल 4 बार 10 बार चक्रवाती तूफान आए। सबसे ज़्यादा 66 तूफान 70 के दशक में आए। 1967 के बाद सबसे ज़्यादा 9 तूफान पिछले साल आए थे। अम्फान नाम 2004 में ही तय हो गया था। उत्तरी हिंद महासागर में आने वाले तूफानों के लिए 64 नामों में से 63 नामों का इस्तेमाल हो चुका, सिर्फ अम्फान ही बचा था। इस नाम का संबंध थाईलैंड से है, इसे उसे देश की शब्दावली से बनाया गया है। बुधवार सुबह ही ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं चली, जहां पेड़ों को उखड़ते हुए भी देखा जा रहा है। इसके अलावा समुद्र के पास ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। ओडिशा में अम्फान की स्थिति को देखते हुए कई शेल्टर कैंप भी स्थापित किए गए हैं। अभी तक राज्य में करीब 1700 से अधिक शेल्टर कैंप लगाए गए हैं, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों को रखा गया है। दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 40 से अधिक टीमें तैनात की गई हैं। तटीय इलाकों से 2 लाख से अधिक लोगों को निकाला जा चुका है। समुद्र में मछुआरों के जाने पर रोक लगा दी गई है। एनडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। मंगलवार रात कई इलाकों में तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं। बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, असम, मेघालय, केरल, कर्नाटक, बिहार तक इस तूफान का असर देखने को मिल सकता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल में मिदनापुर, नॉर्थ साउथ परगना, कोलकाता, हावड़ा में अम्फान अपना असर दिखा सकता है।